मुंबईर जिओ वर्ल्ड सेंटर रे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी 141वां अधिवेशन रो उद्घाटन करछन्ते प्रधानमंत्री मोदी। यहा स देशवासी को देखाइछन्ते एक नुआ स्वप्न। भारत रे 2036 ओलंपिक्स आयोजन करबा को सब प्रकार उद्यम करजबाने कहिछन्ते पीएम मोदी। या पूर्व भारत 2028 रे युवा ओलंपिक्स आयोजन करबा को आग्रह देखाइछि। एहा होछि 40 कोटी भारतीयों स्वप्न और अभिलाष बोली कहते मोदी। भारत एक बड़ धरणर विश्वस्तरीय प्रतियोगिता आयोजन करने को प्रस्तुत अच्छे। G20 आयोजन बेले विश्व यह देखी सारी। सेपरी हॉकी विश्वकप, 17 वर्ष कम महिला फुटबॉल विश्वकप, शूटिंग विश्वकप आयोजन यार उदाहरण। 40 वर्ष व्यवधान पर द्वितीय थर पर भारत में आयोजित होता इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी अधिवेशन जहाँ को संबोधन कर 2036 ओलंपिक्स आयोजन करने को भारत प्रस्तुत थी प्रधानमंत्री। यास IOC अधिवेशन आयोजन करने आमपाई गर्वर विषय बोली से कहते। ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।